झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा इलाके में पेयजल की समस्या से जूझ रही जनता के हक की आवाज के लिए समाज सेवी नोरंग डांगे की ओर से पहल की गई। गुरुवार को सूरजगढ़ के बुहारा उपखंड मुख्यालय से सत्याग्रह जल के लिए जनता आंदोलन का शुभारंभ सूरजगढ़ विधानसभा के युवा नेता नोरंग डांगे ने किया। युवा नेता डांगे ने कहा कि विधानसभा के गाँव ढाणियों में पानी को लेकर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नवभारत समाचार झुंझुनू राजस्थान से पवन शर्मा की रिपोर्ट। सर आज तो अपने इस क्षेत्र में बुहाना सिंगाना सूरजगढ़ में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। काफी सालों से यह समस्या शुरू हो गई थी और अब ये अपनी चरम सीमा पे है। यहाँ पर पानी की बहुत भारी किल्लत है, उसके लिए हमने एक जनता के लिए जल जनता के लिए आंदोलन शुरू किया है। सत्याग्रह के रूप में हम पूरे क्षेत्र में गांव गांव ढाणी ढाणी हम जाएंगे। पूरे 25 दिन तक हम ये अलग जगाएंगे, सबको जागरूक करेंगे और 25वें दिन हम यहाँ पे जनता को इकट्ठा करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके माध्यम से हम सरकार को बताएंगे कि हमारी इस समस्या का समाधान निकालें और जल्दी से जल्दी कुंभाराम परियोजना से हमें जोड़ें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जो पानी की समस्या बेसिक समस्या हमारी है ये इतनी विराट रूप ले चुकी है। इसके बगैर हमारे महिलाएं हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। दो दो तीन तीन किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, बहुत बार तो पानी मिलता भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इसको जन आंदोलन के रूप में सरकार को दिखाएं, क्योंकि इसके बगैर तो ये जनता सरकार के जो नहीं रह रही है, हमारे नेताओं का यहाँ के जो भी नेतृत्व है उनकी उदासीनता उनके नेतृत्व क्षमता की कमी के कारण हमारे इस क्षेत्र की समस्या को अभी तक किसी के सामने रखा नहीं गया है। हम सरकार के सामने उसको रखना चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में इस पानी की समस्या का समाधान किया जाए। ये सत्याग्रह हमने उस समस्या का को सरकार तक पहुँचाने के लिए शुरू किया है।